कन्या कहती है हे महानुभाव, हमारी बात हे महानुभाव, अनेक प्रकार के पुण्य किया, धर्म किया, देवी देवता का पूजन किया, तो प्रसन्न होकर के आप जैसे वर को मैंने प्राप्त किया, आप सदा वंदनीय हैं। दुख सुखानि कर्माणि गृहस्थस्य भवानि च, दुख सुखानि कर्माणि गृह भवानि ही बहुत सौम्यम दैवतम कन्या एक मिखो बदे। कन्या कहती है महानुभाव, जीवन में दुख और सुख दोनों हैं, अरे हानि लाभ, तो दोनों में आप सौम्य रहें। सौम्य सामान्यतः इसका नाम सौम्य है, ये पहला वाक्य है। फिर कहती है कन्या कि बापी कूप तड़ागानी, सुनिए आप लोग, बापी कूप तड़ागानी यज्ञ यात्रा महो समान, नारभेनु ज्ञाता देवर्जे विधा बदे, बावली कुआं तलाग जो भी खनवावे या यात्रा करें, देशाटन करें, पर्यटन करें, तो मुझे भी साथ रखें। दूसरी बात हो गई बाक है। तीसरा बात है व्रतोद्यानि दानानि स्त्रीणां भासभाज कृत भंगोर कर्माणि राजा। व्रत करना, दान करना और उद्यापन करना, ये हम लोगों का नैसर्गिक लक्षण है, माताओं बहनों का नैसर्गिक प्राकृतिक लक्षण भगवान के यहाँ से है कि व्रत करेंगी, दान करेंगी, पुण्य करेंगी, तो उसमें आप हस्तक्षेप न करें। स्वकर्मा, अरे सुन रहे विद्वान आदि सब लोग काय स्नो करा, स्वकर्माजितम वित्तम। चौथा बात है स्वकर्माजितम वित्तम पशु धान्य धनागम सर्वम निवेहिते मयम चतुर्थम बदे। रुकिए भाई, रुकिए 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 रुकिए, अपने अर्जित अपने कमाई से जो अर्जित करें वो मेरे हाथ पर रख दिया करें, आवश्यकता अनुसार मह्यम निवेदे, मुझे रख दे, आपके मैं बैंक हूँ, आवश्यकता लिया करेंगे। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा विधान है। अरे भाई रखेंगे तो निकाल नहीं सकते हैं, जिस बैंक में रखेंगे उस बैंक में से निकालेंगे नहीं, तो यश करी ऐसा नहीं करके यश। गजस्वादीन पशु नाम च, अब देखिए पछिया बाग है, गजस्वादी पशु नाम च हे उपाय न कारणम अनापरीक्षण कर्तव्य पंचमम विशति संबदे। हाथी घोड़ा या वाहन मकान लेन देन करें उसमें मेरी भी अनुमति होनी चाहिए, नहीं चाहिए। हाँ भूषणानी विचित्राणी, ये पश्चिम वाक्य होगा, भूषणानी विचित्राणी रद्द धातो मयानी च, मेरे तरफ ध्यान दीजिए, प्रसन्न हो गए तो रुपये पैसे सोना चांदी मुझको उपहार में दे दिए प्रसन्नता के साथ, आ कहीं खिन्नता आ गई हमारा वापस करो, आपका पावर भी दे दिया हाथ पर, तो पावर से वह भी उसको मांगने का चेष्टा नहीं करें। क्या क्या चीज, भूषणानी गहना गुड़िया, विचित्राणी रत्न धातु, ये सब दे देते हैं तो उसको भूल जाइए। हाँ अब ये छठिया बाक हुई, सत्या बाक हुआ गीत बाजी मंगल राम बंधु नाम जो गृह सदा अनाहुत्या गणिश्यामी जदा माम प्रतिपालयेत। हमारे भाई के बंधु के मैं के उत्सव हो, कोई सकार हो तो मेरी इच्छा करे तो बिना पूछे ही चली जाया करूंगी, अपमानित मुझे न करें, यही सात बात है।
बरो बाचो। ये एक मत होते हुए हैं, बिना कोई मतभेद मनभेद हुए। दूसरा चीज है धान का लावा विवाह में प्रयोग हुआ है, तो धान का लावा वंश वृद्धि की निशानी है। धान को बड़ा ही दुख दिया गया है, तपाया गया है, जलाया गया है, भुनाया गया है, लेकिन सदैव एक दूसरे लावा और भूसी साथ साथ है, एक दूसरे के साथ है, कभी साथ नहीं छोड़ा है। ये तो लौकिक बात है। दूसरा बात कहा गया है कि कहे शादी ऐसा लड्डू है, और जो पाए वो पछताए और जो खाए वो पछताए। जब भगवान राम गए जनकपुरी में, तो सब महिलाएं देखकर जिनका विवाह हुआ भी था और जिनका नहीं हुआ था, सब पछताताप करने लगी, हमार नहके विवाह हो गया। हाँ, कि अन ब्याहे हवसे भले और ब्याहे ले तब सास, गवने के मवने रहे निरख श्याम मृदुगात। कि हमारा तो नाह के विवाह हो गया, कि भगवान राम के साथ में होना था। तो उस तरह उस जगह का प्रसंग है। तो आते हैं हम अपने प्रसंग पर, अपने प्रसंग पर आते हैं कि कहा गया है कि कन्या तीन सात पदी मांगी, सात वचन मांगी, लेकिन कहा कि देखिए हमारे भी कुछ पद है। वैसे कहा गया है, देसी कहावत है, बिना मेहरिया का घर सरजे, रोजे कुकुर खाए पिसान। तो बिना पत्नी कथम गृहस्थाश्रम, बिना पत्नी के घर चल नहीं सकता। आप कितना भी कमा कर लाइए, अगर सरजने वाली नहीं है तो सब बेकार जाएगा, बर्बाद जाएगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम में धर्म पत्नी की आवश्यकता होती है। लेकिन जिस तरह से हमने आपकी बात को माना, उसी तरह से हमारे भी कुछ शर्त है, उस बात को मानिए, ताकि गृहस्थ रूपी नौका में जो आज हम सवार होने जा रहे हैं, बड़ी ही मधुरता से इस नाव पर बैठ करके जीवन रूपी नौका में सवार हो करके पार हो सके। क्या है कि उद्याने मद्यपाने राजद्वारे च पिता गृहे आज्ञायाः बिना नाह गंतव्य प्रतिवरे परायणे। जैसे कहलवाए कि हम आपके बिना आज्ञा के भी जा सकते नहीं, तो बिना आज्ञा के नहीं जा सकते। और कहाँ कहाँ नहीं जा सकते? उद्याने, उद्याने माने होता है जंगल में, सुनसान जगह पर। कभी इमरजेंसी हो तो अगर हम घर पर रहें तो ठीक है, हमसे पूछ कर जाइए, घर पर नहीं रहें तो टेलीफोन करके जाइए, और आवश्यकता पड़े तो सखियों के साथ में जाइए। मद्यपान है जहाँ मदिरा पान होता हो, इन चार जगह जाना नहीं है। उद्याने मद्यपान है जहाँ मदिरा पान होता हो, कोई आवश्यकता नहीं है। राजद द्वारे, राजा का घर नहीं है लेकिन प्रशासन का घर है, कोर्ट कचहरी है, उस जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, थाना अदालत में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता पड़े तो हमसे पूछ करके सखियों को साथ लेकर के जाना है, और यहाँ तक कि पिता के घर में भी नहीं जाना है। इसलिए कि कोई अगर उत्सव होता है, प्रयोजन पड़ता है, तब तो जो है बिना निमंत्रण नहीं जाना है। हाँ, यही प्रसंग अगर जो है बिना हमसे आदेश लिए हुए, बिना हमसे पूछे जाएंगे, सुस्तस्ती जैसा जो हुआ, हाँ, कि दक्ष की प्रजापति, दक्ष प्रजापति की कन्या और शिव की आज्ञा बिना माने ही अपने पिता के यहाँ चल गई। यज्ञ रचे थे कनखल में दक्ष प्रजापति, और सभी छोटे छोटे देवताओं को जो है भाग दिए, निमंत्रण दिए, लेकिन शिव जी को नहीं दिए थे। तो जब सब जाने लगे तो सती जी ने सोचा कि हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो पति से शिव जी से कहती हैं कि पति से कहती हैं कि हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा, हमें चलना चाहिए। तो कहे कि निमंत्रण आया नहीं है, तो इस तरह से जो है हम क्यों जाएंगे, बिना निमंत्रण जो है जाना नहीं चाहिए। तो कहे कि पिता के घर में जाने के लिए कैसी जो है निमंत्रण की आज्ञा? तो कहे कि ऐसा है कि बिना जो है निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। लेकिन पति की बात को नहीं मानी, मनभेद कर करके चली गई। जब चली गई तो जा करके देखती हैं, तो वह कहा गया है कि शिव संकल्प के न मन माही और यह तन सती भेट अब नाही। और इसके आगे की भी परीक्षा ली थी, जी सीता जी का भेष बना ली थी। तो भगवान राम जो है शिव को पूजते हैं और शिव राम को पूजते हैं, तो सीता को माता मानते हैं, तो पत्नी से वो माता बन गई, तब उनका जो है सती तो होना ही था। तो इस तरह से जो है ऐसा नहीं करना है, और कहे कि आने आवे तब कोई जाना है और पठे से आना है। तो इस तरह से जो है मनभेद ना करते हुए साथ साथ रहते हुए, और क्या है कि मदीय चित्तम अनुगतस्य चित्ता, कि मदीय माग्यः परिपालने सदा, कि हमारे चित्त के अनुसार आपको चित्त रखना होगा। कि जब हम कहें ये आम है तो भले ही मिली हो, तो कहना है आम है तो आम है, उसी हिसाब से संसार चल सकता है। तो हमारे
चित्त के अनुसार आपको चित्त करना होगा। जिस तरह से हमें संतोष हो ऐसा जो है आपको भी संतोष करना पड़ेगा। और क्या है कि क्रीड़ा शरीर संस्कार समाज उत्सव दर्शनम हास्य पर गृह यानम त्रिजेत भरोसित भत्रिका कि क्रीड़ा शरीर संस्कार जब हम घर पर रहें तो आनंद के साथ में 16 श्रृंगार कीजिए, आमोद प्रमोद कीजिए, मनोरंजन कीजिए, हंसी ठिठोली कीजिए, उपटन लगाइए, चोटी गुथिए। और आजकल क्या है कि पार्टियों में जाने का चलन है, पार्टियों में भी हमारे साथ चलिए। लेकिन जब हम घर पर ना रहे, परदेश में रहे, चाहे दिल्ली रहे, लखनऊ रहे, तो हम जो है इन सब बातों से मुख मोड़ना होगा। पार्टी में नहीं जाना है, हाँ, इन सब बातों से मुख मोड़ना। हम कहने का भाव है कि जिस तरह से हमें संतोष हो, इस तरह से पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए आप हमारे साथ में अग्नि दोनों आचार्य दोनों तरफ के जो है इनको साक्षी मान करके हम जो है पति पत्नी होने का जो संकल्प लिए है इसे सदैव निकाय निभाए। और जो आज हम गृहस्थ रूपी नौका पर सवार होने जा रहे हैं, ऐसा कोटि कोटि आशीष है कि इस तरह से जो है आप गृहस्थ जीवन की शुरुआत करें।